Hello traders, welcome to VPF Financial YouTube channel. Traders, this video has stock ideas. So without wasting time, let's begin. Or traders, charts pe jaane se pehle, if you haven't subscribed, aap logon ne agar subscribe kisi ne nahi kiya hai, new viewer hai, to definitely aap subscribe kijiye. So let's begin. Aaj ka hamara pehla stock hai Berger Paints. ट्रेडर्स बर्जर पेंट्स अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, पहले हम ट्रेंड समझते हैं, उसके बाद एक नतीजे पे आते हैं कि लाइक हमको इसमें ट्रेड में बाय करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी अगर एनालाइज करते हो किसी भी चार्ट पे, तो आपको ये समझना है कि ट्रेंड क्या बना हुआ है स्टॉक का, एंड अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करना है। एक बार आपने ट्रेंड समझ लिया तो अगर आप गलत जगह पे भी एंट्री करते हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी होती है कि आप नुकसान न करें उसमें। सो सबसे पहले चीज, स्टॉक ने हमारा लो बनाया, स्टॉक ने हाई बनाया, स्टॉक ने फिर हायर लो बनाया। ये हायर लो क्यों है? क्योंकि इससे ऊपर है, एंड दिस इज अवर हायर हाई। सो इट्स अ क्लियर साइन ऑफ अप ट्रेंड। ये हो गया आपका रीजन नंबर वन, अप ट्रेंड समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें हमको अप ट्रेंड में कुछ एंट्री है। So, हम लोग यहां पर जोड़ेंगे हम लोगों के सब रेजिस्टेंस। ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस सब जोड़ लिया, तो हम यहां पर देख सकते हैं क्लियर ब्रेकआउट आया हुआ है। सो ये हो गया आपका रीजन नंबर दो, स्टॉक क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है। रीजन नंबर तीन, ब्रेकआउट आया हुआ है अलोंग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। ये हो गया आपका थर्ड रीजन। एंट्री करेंगे ये कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि ये जोन है। स्टॉप लॉस रखेंगे ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई है हमारा 308.75। लेट्स कंसीडर 309 पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस रखना है हमको 307 का। 307 के नीचे स्टॉक निकलता है तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट करना है हमको। टारगेट हम सेट करेंगे, फर्स्ट टारगेट ये होगा जो कि 311। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि है 313, टारगेट टू। ऑलराइट, पहले हमने ट्रेंड समझा, ट्रेंड क्लियर अप ट्रेंड है स्टॉक का। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है अपने रीसेंट रेजिस्टेंस को तोड़ के, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है अलोंग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। एंट्री करेंगे 309 के ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे 307 के नीचे का। फर्स्ट टारगेट हम सेट करेंगे 311, नेक्स्ट टारगेट हम सेट करेंगे 313 का। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वो है मारुति। सी ट्रेडर्स, इसमें भी सेम सिनेरियो। स्टॉक ने बॉटम बनाया, स्टॉक ने फिर हाई बनाया, स्टॉक ने फिर हायर लो बनाया, एंड स्टॉक ने हायर हाई बनाया। इट्स अ क्लियर साइन ऑफ अप ट्रेंड। रीजन नंबर वन, स्टॉक अप ट्रेंड में है। रीजन नंबर टू, अगर हम इसके सब सपोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, तो सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, ये हो गया आपका रीजन नंबर दो स्टॉक में ट्रेड लेने का। रीजन नंबर तीन, अरे इसके अगर मैं सब रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता हूं लाइक दिस, लाइक रेजिस्टेंस वन टू थ्री, फाइनली हम यहां पर देख सकते हैं अब ब्रेकआउट। ये हो गया आपका तीसरा रीजन। चौथा रीजन आप देख सकते हो यहां पर क्लियर वॉल्यूम आया हुआ है जो हमारा ब्रेकआउट को जस्टिफाइड कर रहा है। ये हो गया आपका रीजन नंबर चौथा। रीजन नंबर पांचवा, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कैंडल फॉर्मेशन आया हुआ है बुलिश थ्री कैंडल पैटर्न का। इट्स अ फॉर्म ऑफ, ये जो पैटर्न बनता है तो ये रिवर्सल पैटर्न का जस्टिफिकेशन है कि जहां से रिवर्सल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एंट्री करेंगे ये कैंडल का हाई जो कि है हमारा 7098। 7098 की एंट्री होगी हमारी। अब ये 7000 का स्टॉक है तो ऑब्वियसली थोड़ा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो होगा हमारा, जो कि कैंडल का लो है 7082। स्टॉक का अगर रेट बढ़ा है तो हमको घबराना नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर मान के चलिए आपके पास 10000 का कैपिटल है तो आप 100 रुपए वाला स्टॉक उस हिसाब से खरीदेंगे, वो क्वांटिटी में खरीदेंगे। सेम चीज अप्लाई होती है 7000 वाले स्टॉक में, तो आपका प्रॉफिट और लॉस उस हिसाब से होता है।
स्टॉक का प्राइस बढ़ा है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर स्टॉप लॉस 16 पॉइंट्स का है तो अगेंस्ट में हम लोगों का टारगेट भी फिर उतना होता है लाइक दिस। हम लोगों का यहां पर फर्स्ट टारगेट होगा 7130, टारगेट वन। बड़ा अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ा है तो हम लोग ऑब्वियसली क्वांटिटी कम लेते हैं, हम लोग अपना रिस्क उस हिसाब से मैनेज करते हैं, तो घबराने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टारगेट हमको सेट करना है 7190, टारगेट टू। ओके, चार्ट इसमें एक्चुअली फाइव रीजन है हम लोगों को ये ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट, स्टॉक ने क्लियर अप ट्रेंड फॉर्म किया हुआ है। सेकंड, स्टॉक अपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। थर्ड, स्टॉक ने अपना रीसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। फोर्थ, यहां पर देख सकते हैं ब्रेकआउट आया अलॉन्ग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। फिफ्थ, यहां पर क्लियर हम लोगों का बुलिश थ्री कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक साइन है एक रिवर्सल पैटर्न की। एंट्री करेंगे हम लोग 7098 के ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे 7082 के नीचे का। फर्स्ट टारगेट हम लोग सेट करेंगे 7130, नेक्स्ट टारगेट हम लोग सेट करेंगे 7190 का। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वो है पावर ग्रिड। सी ट्रेडर्स, अब ट्रेड पे जाने से पहले एक चीज हम लोग जस्ट इसमें कंफर्म करते हैं कि यहां से लेके जो स्टॉक ऊपर गया तो उसका रिट्रेसमेंट कितना आया है। लाइक स्टॉक तो अप ट्रेंड में है, ये गिरावट आई है वो कितनी गिरावट आई है परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखते हैं इसमें, फिबोनाची परसेंटेज वाइज देखेंगे हम लोग इसमें। सो, ये मैंने लो से हाई को जोड़ लिया और यहां पर आप देख सकते हो कि स्टॉक अपना 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। सो, एक काइंड ऑफ ये हम लोगों का सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। स्टॉक नॉर्मल जब ऊपर जाता है तो 50% की रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट मानी जाती है। यहां से चांसेस होते हैं फिर अगेन स्टॉक अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। ओके, अब ये कंटिन्यू करेगा उसका भी रीजन होना चाहिए हमको कि कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो उसका रीजन हम लोगों का क्लियर है कि यहां पर स्टॉक में ब्रेकआउट आया हुआ है। स्टॉक का ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, फाइनली हम लोग यहां पर देख सकते हैं ब्रेकआउट आया हुआ है। ये हो गया आपका रीजन नंबर दो। रीजन नंबर तीन, ब्रेकआउट आया है अलोंग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। एंट्री करेंगे ये कैंडल के हाई के ऊपर जो कि है 195.50 पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग ये कैंडल का लो जो कि है 193.50, दो पॉइंट का एसएल रखेंगे हम इसमें। टारगेट हम सेट करेंगे फर्स्ट टारगेट जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि है 198 का, टारगेट वन हो जाएगा हमारा। टारगेट टू हम लोग सेट करेंगे ऊपर का जो कि है 201, टारगेट टू। ओके, सिंपल सा रीजन है, स्टॉक अप ट्रेंड जा रहा था, स्टॉक ने 50% रिट्रेस किया हुआ है जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट करता है एज पर फिबोनाची लेवल। स्टॉक ने अपना रीसेंट रेजिस्टेंस तोड़ा हुआ है, रीजन नंबर दो। रीजन नंबर तीन, ब्रेकआउट आया है अलोंग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। एंट्री करेंगे 195.50 के ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे 193.50 के नीचे। फर्स्ट टारगेट हम सेट करेंगे 198 का, नेक्स्ट टारगेट हम सेट करेंगे 201 का। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वो है वेदांता VEDL। सी ट्रेडर्स, स्टॉक ने ये हाई लगाया, स्टॉक ने लो लगाया, लोअर लो लोअर हाई। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहां पर लोअर हाई लगा हुआ है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। सो इट्स अ क्लियर साइन, ये क्लियर साइन है डाउन ट्रेंड का हमारा। रीजन नंबर वन, स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है यहां पर। रीजन नंबर दो, अगर हम रीसेंट सपोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं लाइक एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, फाइनली यहां पर हम देख सकते हैं ब्रेकडाउन आया हुआ है। ये हो गया आपका रीजन नंबर दो, स्टॉक ने क्लियर ब्रेकडाउन दिया हुआ है। रीजन नंबर तीन, यहां पर क्लियर वॉल्यूम में पॉप आया हुआ है। ओके, तीन मेजर रीजन
रीजन नंबर चौथा ये भी है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये पुराने जो रेजिस्टेंस थे लाइक रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री, उसको फाइनली ये ब्रेकआउट आया यहां पर। ओके, ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ निकला, फिर अगेन देखिए इसको रिटेस्ट किया गया। ओके, अगेन फिर ऊपर की तरफ निकला स्टॉक, अगेन फिर यहां पर देखिए ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक ने ट्राई किया फिर ऊपर की तरफ निकलने के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली हम लोग यहां पर देख सकते हैं इट्स अ क्लियर ब्रेकडाउन। सो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या बन रही है स्टॉक में, ये ब्रेकडाउन आया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहां पर वॉल्यूम आया हुआ है एंड में 30 मिनट्स के कैंडल पे, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्या दिख रहा है आपको चार्ट पे। हमको क्लियर दिख रहा है कि ये जो जोन बन गया था एक बार रेजिस्टेंस का, उसको ब्रेकआउट होने के बाद वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, एक बार यहां सपोर्ट एक्ट किया, एक बार यहां एक्ट किया, बट फाइनली हम लोग देख सकते हैं यहां पर ब्रेकडाउन आया हुआ है। सो एंट्री करेंगे हम लोग इसमें, शॉर्टिंग एंट्री करेंगे बिलो दिस कैंडल लो जो कि है 171 पे एंट्री करेंगे, शॉर्टिंग एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग यही कैंडल का हाई, थोड़ा सा उसमें बफर डालेंगे हम लोग 173 का। टारगेट हम सेट करेंगे इसमें, आप ये टारगेट सेट कर सकते हो जो कि है 167 नियर बाय सपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग टारगेट सेट करेंगे लास्ट सपोर्ट जो कि है 164 टारगेट 2। ऑलराइट, स्टॉक ने अपना मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया हुआ है, स्टॉक ने लोअर हाईज एंड लोअर लो फॉर्म किया हुआ है, स्टॉक ने अपना रीसेंट सपोर्ट यहां पर तोड़ा हुआ है, ब्रेकडाउन दिया हुआ है अलॉन्ग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, चार मेजर रीजन है ये ट्रेड करने के लिए। स्टॉप एंट्री रख करेंगे हम लोग 171 के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे 173 के ऊपर का, फर्स्ट टारगेट हम जो सेट करने वाले वो है 167, नेक्स्ट टारगेट हम लोग सेट करेंगे 164। ऑलराइट ट्रेडर, दिस इज इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रेडर्स, हम लोग 17 मार्च को प्राइस एक्शन का वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, अगर आपको भी सीखना है कि कैसे हम लोग ये स्टॉक्स निकालते हैं, कैसे ये स्टॉक की हम लोग स्टोरी पूरी की पूरी समझते हैं और अकॉर्डिंगली एक प्रोफेशनल वे में कैसे ट्रेड करते हैं, तो अभी प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। टोटल 4 सेशंस का ये हम लोगों का सेशन वेबिनार रहता है, आप डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन लिखना है या डिटेल्स ऑफ प्राइस एक्शन लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। Thanks for watching. We'll see you in the next video.